सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय। भाई कपिल को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा रूप में बोला। अब मैं संदीप तालेजा जी से निवेदन कर रहा हूँ, वो भी अपने 2 मिनट के लिए उद्बोधन अपना उतार रखे। संदीप तालेजा जय सिंहपुर। हाँ, समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी करके अपना संदीप तालेजा जी बता रहे हैं। संदीप तालेजा जी निवेदन है, आप समय की बाध्यता है, अगर हमें वहां रैली के रूप में उपखंड कार्यालय तक भी पहुंचना है, तो आप सभी से निवेदन है। भाई कपिल सिब्बलवाल ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही कि उस महापंचायत में आप सतीश जी मालैया को भेजे, ये युवाओं की सोच बदल रही है, सोच बदलेगी, और पुत्री बदलेगा, और पुत्री बदलेगा, आप सबका विकास भी बदलेगा। भाई संदीप जी बीच में, मैं माफी चाहूँ, संदीप तालेजा जी नहीं पहुंचे इतने देर में, सुभाष शर्मा ध्यान प्रसिद्ध सुभाष जी सीएम कर्मठ है, सीएम साहब पढ़ाए आपकी कुर्सियां बचने वाली नहीं है, सीएम साहब आ जाओ। आप तो ज्यादा भाषण बाजी बुलाओ, सीधी बात वोट बोल देगा, बोल रहा मैं बैठा था और बोल रहा है क्या बोला, हर गांव का आधार आदारी दिखा दो, आधारी को मतलब हम समझो तो को समझो, तो आधारी दिखा दो, आधारी ताकत आ रही अगली बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों टिकट के बाद क्या रहेगी, झूठ बोले मुझे समाज एक नहीं होता था, तक झपटे जो तो आगे से लड़ो बीजेपी बोला था, तो आपकी घटना रही भी नींद में सो रहा भी आपकी घटना मारे हो, तो सीधी बात है कि आप छोड़ ले ना हाथ ले रहे साथ में, आपने खाली जूती देख लो कतरी की दम से गढ़ा दे बापू जी की जूती खाता बापू जी तो गढ़ाए तुम सामान दे दो था, आज लोग मन जाए थे तेरे को घूम जाए थे बल बजे बजे तो नहीं जाओ लोग और थाना बढ़िया मैं दूसरा घूम गए सबने बहुत बहुत अच्छा सीएम अच्छा कह रहे हैं, अपन जूते का वजन उठा देख लेना, सब कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी सब टिकट देने आ जाएंगे, संदीप तालेजा जी भी अपना उद्बोधन करें 2 मिनट के। सभी साथियों का मेरा क्रांतिकारी दिन अधीन जय मंडल जय संविधान। आज मंच पर उपस्थित हमारे सम्मान्य पिता तुल्य बुजुर्गो मातृ शक्ति और मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सभी को राजस्थान के अंदर जो ये अलायंस हुआ है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी का है अलायंस हुआ है, इसको गठबंधन को मजबूत करना है और हर एक बूथ के ऊपर जाकर हर युवा को अपनी जिम्मेदारी बनती है कि 25 तारीख तक हर युवा अपने घर में विश्राम न करके और हर बूथ के ऊपर जाकर के और अपने बोतल वाले निशान के ऊपर सभी लोगों को जागरूक करके और इस मुहिम को आगे बढ़ाकर भाई सतीश कुमार मांडलिया जी को विजय उल्लेखित करना है। क्रांतिकारी जय जी। हेलो, जय भारत माता। मैं भाई आज के कैंडिडेट सतीश मांडलिया को आमंत्रित करता हूँ ताकि वो अपने लोग समझ कहे और आपसे आशीर्वाद लें और आप लोग इनको आशीर्वाद दें भरपूर पेट के। सतीश मांडलिया।
सतीश कुमार से निवेदन करूं कि आप अपना उद्बोधन दें और इन्हें पिता तुल्य देव तुल्य जनता जनार्दन युवा साथी मातृशक्ति पिताओं से सबसे अपना आशीर्वाद लेकर के अपना उद्बोधन दें। अधिकार मिलते अधिकार मांगने से मिलते नहीं, अधिकार ही छीने जाते हैं। अधिकार मांगने से मिलते नहीं, अधिकार ही छीने जाते हैं। सिंह कहीं कटते नहीं, सिंह कहीं कटते नहीं, बकरे ही काटे जाते हैं। धन्यवाद है भीम जग। बोले सरोज माता की, बोले राम साहब पीर की, बोले तेजाली महाराज की। सभी को मेरा राम राम, सभी को जय भीम। आज की इस नामांकन रैली में पधारे समस्त पिता तल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, युवा शक्ति को मैं सतीश कुमार मांडिया हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। 2023 विधानसभा चुनाव में मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के योद्धाओं श्री हनुमान जी बेनीवाल और श्री चंद्रशेखर जी आजाद के द्वारा संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया गया है, इसके लिए मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करता हूं। ये टिकट मेरी ना होकर आप सबकी है, मेरी संपूर्ण बस्ती माता की है, जनता जनार्दन की है। मंच पर विराजमान किशन जी सरपंच, सुभाष जी सरपंच, मैंडम जी, भूप सिंह जी सेहरा, राजेंद्र जी फौजी वकील साहब, रघुवीर सिंह जी, बलवंत जी बाबरिया, आप सभी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी इस जन्म में मेरे रथ के साथी बने बलवंत जी बाबरिया और रघुवीर सिंह जी ने मुझे 11,000 रुपए से सुशोभित किया है, मैं उनका बार बार धन्यवाद अदा करता हूं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, वादा नहीं विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आपका ये जोश, उमंग और उत्साह मुझे आपकी सेवा करने का संबल प्रदान करता है। आपका ये विश्वास, आपका साथ और समर्थन इस बार कोटपुतले में ऐतिहासिक व्यवस्था परिवर्तन, ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं आपकी सुरक्षा सम्मान और क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरा प्रत्येक क्षण, मेरा शरीर का कण कण जनता की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहेगा। सच्चाई, ईमानदारी और विकास की नीति के तहत मैं सदैव आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। इसी क्रम में जनता का आभार प्रकट करता हूं और पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा सतीश महाराजा जी ने अपनी इस कर्म भूमि में एक संघर्ष के तौर पे बहुत बल दिखाया विधायक प्रत्याशी के लिए, जो हम सब एक युवाओं के चेहरे थे, बड़ों से बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अपने इस विधानसभा में एक प्रत्याशी के रूप में आरआरपी और एएसपी के गठबंधन का सिंबल लेते हुए अपने चुनाव प्रत्याशी हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी रैली आजाद चौक तक चलेगी ताकि कोई अव्यवस्था नहीं हो और शांतिपूर्ण रैली निकाले। अपने रैली से जैसे ही अपने वहां सिंबल के लिए सतीश भाई अंदर जाकर वापस आए, शांतिपूर्ण नारा लगाए और शांतिपूर्ण ही चल करके अपनी रैली का समापन करने वापस आए। मैं एक बुजुर्गों की कहावत है, जननी जने तो ऐडा जंदे, जननी जनन तो ऐडा जंदे, के जनने के सूर नीतो जनम मत जीजे व्रंथ गवा जन्नू। मतलब जन्म देने वाली की कौन कौन नहीं नजर और जन्म देने वाली कौन कौन अगर कोई नाम करे तो एक अच्छा सूरवीर पैदा होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ भाई सतीश मांडिया को
आगे आगे अपने रैले में नारे में लगाते हुए चले। अभी यहाँ से रैली का आयोजन किया जा रहा है और रैली में एक सभ्यता से शांतिपूर्ण तरीके से चलना है, सबको ये दिखाना है कि हमारे में अनुशासन कितना है, हम अनुशासन के अंदर रह करके ही हम रैली को पहुंचाएंगे और आगे केवल 5 आदमी जाएंगे, पीछे बाकी वहीं पर रह जाएंगे सब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।